नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या जाएंगे। हालांकि इसके मुहूर्त को लेकर पंडितों और विद्वानों में लगातार संशय बना हुआ था, लेकिन ये कहा गया है अयोध्या में जो राम मंदिर की ट्रस्ट है उसके तरफ से ये कहा गया कि जो 48 मिनट का समय है वो अभिजीत मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में भगवान राम का भी जन्म हुआ था, तो इसलिए इसी मुहूर्त में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। हालांकि महंत कमल नयन दास का ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आधारशिला रखेंगे तो फिर किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। सभी लोग तैयारी में लगे हैं, सब प्रसन्नचित हैं, सभी अयोध्या ही नहीं पूरा देश आनंदित है और पूरा देश के मठ मंदिर जितने मठ मंदिर ही नहीं और सब लोग अपने अपने घरों में खूब प्रसन्नतापूर्वक भगवान का कथा कीर्तन भजन रामायण पाठ करेंगे और सभी अपने अपने स्थान से ही वहीं से दर्शन करेंगे और सब दीपक दीपावली जलाएंगे बनाएंगे दीप प्रज्वलित करेंगे। सब शंकराचार्य जी को यह समझना चाहिए मुहूर्त की हमें अब कोई आवश्यकता नहीं। 3 महीने से हम वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन बराबर चल रहा है, बराबर यज्ञ हवन सब चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए 3 दिन का छोटा मोटा कार्यक्रम रख दिया गया है। पहले दिन महागणपति जी का पूजन होगा, यज्ञ होगा, दूसरे दिन रामाचरण होगा और तीसरे दिन कुशल आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ होगा। कोई मुहूर्त की सारा मुहूर्त हमारा हो चुका, शिलान्यास भी हो चुका है, पूजा पाठ भी, भूमि पूजन भी हो चुका, कोई शेष नहीं रह गया है। खाली प्रधानमंत्री जी आएंगे, सबको अंदर ये प्रसन्नता थी, प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प था कि हम अयोध्या तभी जाएंगे जब भगवान का मंदिर ले लेंगे, वो संकल्प उनका पूरा हुआ। आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन इस बात का बराबर ध्यान रखा जाएगा इस महामारी के समय भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने पाएगी। तो स्वरूपानंद जी व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं इस समय? अरे उनको अब काशी विश्वनाथ की आवाज़ उठानी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि की आवाज़ उठानी चाहिए और देश के लिए आंदोलन करना चाहिए। पहले भी विघ्न डालते रहे, इस समय भी विघ्न डालेंगे, हंसी के पात्र होंगे और क्या हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 200 लोग इस आधारशिला वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं ये कहा जा रहा है कि लगभग 48 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का पूजा होगा, उसके बाद 2 घंटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रुकेंगे, कुल 3 घंटे वो अयोध्या में रहेंगे, उसके बाद वो वापस दिल्ली आ जाएंगे।